हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष केजेट। गाइस, प्रभास अन्ना सर की सालार सीज फायर पार्ट वन के लिए फैंस इतने ज्यादा एक्साइटेड है कि उनसे रहा ही नहीं जा रहा, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाइप और रश इतना ज्यादा है कि इंडियन सिनेमा टूट कर ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई प्रभास अन्ना सर का स्टारडम है। और गाइस, जब से ये पोस्टपोन कर यूमर निकल कर आया, उससे तो और भी ज्यादा हाइप बन गई है सालार मूवी की। अब गाइस, अपडेट क्या निकल कर आ रहा है, हाइप तो इतना ज्यादा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। लेकिन बुक माई शो को तो अलग ही तोड़ते घूम रहे हैं यार प्रभास अन्ना सर। अपन सबके बारे में बात करेंगे कि सालार मूवी पर, बुक माई शो पर कितने इंटरेस्ट गेन कर लिए गए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जल्द से जल्द 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए जानते हैं गाइस, कुछ ही दिन बचे थे इसे थिएटर में रिलीज होने के लिए, लेकिन सडनली एक चूतियापा र्यूमर ने भाई साहब पूरे जो प्रभास सर के फैंस थे, सालार सीज फायर पार्ट वन के फैंस थे ना, उनका दिल तोड़ के रख दिया। क्योंकि फैंस थे ही भाई इतने ज्यादा एक्साइटेड। और गाइज, काफी लोग मुझे यही बोल रहे कि हर्ष भाई, प्रशांत नील सर अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहे। गाइज, अनाउंसमेंट अगर नहीं कर रहे ना, मैं भी लिटरली यही सोच रहा हूँ कि इतना हेट, इतना नेगेटिविटी देखने के बाद भी प्रभास अन्ना और टीम, सालार की जो टीम है, वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही है। लेकिन गाइज, जो भी कर रही है ना, इतना बाप लेवल का करने वाली है, जो कि इंडियन सिनेमा को तोड़ मरोड़ कर रखने वाला। क्योंकि रॉकी भाई यानी कि मॉन्स्टर ने तो इतना खूंखार दबोच ही दिया था, तो अब डायनासोर करने क्या वाला, ये तो कोई भी नहीं पता। लेकिन जो भी करेगी ना, काफी बाप लेवल पे करने वाली। और गाइज, अब मैं अगर बात करूं बुक माई शो की, तो बुक माई शो का तो भाई रिकॉर्ड्स ऑलरेडी काफी जल्दी काफी तगड़े लेवल पे, मतलब कि कोई उसे बीट नहीं कर सकेगा। अभी मैं बात करूं ना, तो सालार के ऑफिशियल बुक माई शो पे जो इंटरेस्ट गेन हो गए ऑर्गेनिक, वो हो गए 330,200 के प्लस हो गए। और गाइस, जब तक मैं ये वीडियो पोस्ट करूंगा, तो समथिंग 331,000 इंटरेस्ट हो जाएंगे मे बी। गाइज, इन्हीं चीजों से पता चल रहा है कि सालार मूवी के हाइप बहुत ज्यादा है। जो भी हेटर्स लोग इतना उछल कूद कर रहे हैं ना, तो उन चीजों से कंपेयरिंग, मतलब कि उन चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है सालार मूवी को। प्रभास अन्ना आएंगे, प्रशांत नील सर आएंगे अनाउंसमेंट करने, लेकिन थोड़े से वेट की जरूरत है। और जो भी करेंगे ना, पावरफुल लेवल पे और ऑर्गेनिक लेवल पे करेंगे, जिससे कि इंडियन सिनेमा तबाह हो जाए। बाकी गाइस, आप लोग हमें बताएं सालार सीज फायर पार्ट वन के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, और आपके क्या ओपिनियन है प्रभास अन्ना सर के रिकॉर्ड्स के बारे में, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो बुक माय शो है। अपने ओपिनियन भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जब प्रभास अन्ना आएंगे तो क्या होने वाला है। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।